प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तब वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपा के ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ते बनाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ मंदिर हैं जिनका संबंध ना वास्तु और खगोल विज्ञान से है ना ही कोई खजाने से। इन मंदिर का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही मंदिरों के बारे में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इंसान के अलावा अगर पशु पक्षी और सांप भी भगवान की उपासना करते हुए देखे जाए तो इसे अनोखी घटना समझा जाता है कि सर्प के द्वारा भगवान शिव की पूजा करने की घटनाएं बहुत मंदिरों से जुड़ी है। पुरानी मान्यता भी है कि शिव जी को सर्प बहुत पिए थे। ऐसे ही एक मंदिर उत्तर प्रदेश के आगरा के पास एक गांव में विकसित है। इस गांव का नाम है सलीमाबाद। यहाँ पौराणिक शिव मंदिर है। ये पौराणिक होने के साथ साथ ये एक सांप की वजह से भी प्रचलित। यहाँ 15 सालों से प्रतिदिन एक सांप आता है और शिव जी की पूजा करता है, और रोज पूजा करने वाले लोगों के लिए ये आश्चर्य की बात है। कहा जाता है कि ये सांप हर रोज इस मंदिर में आता है, करीब 5 घंटे तक यहाँ रुकता है। ग्रामीणों के मुताबिक ये सांप ने एक भी श्रद्धालुओं को आज तक नुकसान नहीं पहुँचाया है, और ग्रामीण भी उसका सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। नाग आते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है, उस वक्त किसी और का मंदिर में आना वर्जित होता है। फिर बाद में द्वार खोल दिए जाते हैं और सांप वहां से चला जाता है। उसके बाद मंदिर के द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। यहां के लोग इस सर्प को शिव जी का भक्त मानते हैं। संभेश्वरा महादेव टेम्पल गुजरात के वडोदरा में एक ऐसा मंदिर है जो देखते ही देखते गायब हो जाता है और अचानक ही देखने लग जाता है। इस मंदिर के इस खूबी के कारण ये विश्व में फेमस है और भोले के भक्त इसे देखने के लिए दौड़े चले आते हैं। स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल ये समुद्र के बीच में स्थित है। मंदिर का निर्माण अपने तपोवन से शिव जी के पुत्र कार्तिका ने किया था। मंदिर का ओझल हो जाना कोई चमत्कार नहीं, ये प्राकृतिक घटनाओं का नतीजा है। दरअसल दिन भर में 2 बार समुद्र के जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। फिर कुछ ही वक्त में समुद्र के जल स्तर कम होता है और ये फिर से नजर आने लगता है। इस मंदिर का यात्रा के लिए पूरे दिन पूरे रात का समय लेके आना चाहिए ताकि यहाँ होने वाले चमत्कार दृश्य को देख सके। टूटी झंडा मंदिर झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित शिव जी का एक ऐसा हास्य मंदिर है जिसके बारे में जानने के बाद हर कोई यहाँ एक बार जाना चाहेगा। ऐसे तो शिव जी को लेके बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, पर यहाँ आज भी भगवान के चमत्कार आज भी देखने को मिल जाते हैं। कहते हैं जब इस मंदिर का जानकारी अंग्रेजों को हुआ, यहाँ होने वाले चमत्कार को उन्होंने अपनी आँखों से देखा और वे इसे देख कर हैरान हो गए थे। झारखंड में स्थित रामगढ़ जिले में शिव जी एक रहस्यमय मंदिर है जिसे टूटी मंदिर का नाम से भी जाना जाता है। शिवलिंग पे 24 घंटे जलाभिषेक होता रहता है। आमतौर पे लोग 1 से 2 या 3 बार जलाभिषेक करते हैं, लेकिन 24 घंटे तक जलाभिषेक किसी को भी हैरान कर सकता है। जी हाँ, इस मंदिर का बहुत रोचक इतिहास है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन कहानी के मुताबिक 1925 में अंग्रेज झारखंड के रामगढ़ इलाके में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। जब वे पानी के लिए खुदाई कर रहे थे तभी उनको जमीन के अंदर अजीब सा कुछ दिखाई दिया जो गुंबज आकार के प्रकार का था। तो उन्होंने वहां खुदाई की तो उन्हें वहां प्राचीन मंदिर मिला। इस मंदिर में भगवान शिव जी का शिवलिंग मौजूद था जिसके ठीक ऊपर से जल निकल रहा था जो शिवलिंग पे आके गिर रहा था। जल का स्रोत गंगा माँ से निकल रहा था और शिव जी पे गिर रहा था। इस दृश्य को देखने के बाद अंग्रेज काफी हैरान रह गए थे। रामगढ़ का ये मंदिर का रहस्य आज भी सुलझा नहीं पाया है कि ये पानी कहाँ से निकलता है और कहाँ इसका स्रोत है। यगंती टेम्पल अब बात करते हैं यगंती मंदिर की, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। देश भर में भगवान शिव के
करिश्माए मंदिर मौजूद हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुरनौल में स्थित यगंती मंदिर उत्सव में बेहद खास है। ऐसा कहा जाता है कि वहां स्थित पत्थर के नंदी बैल का आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इस तरह मंदिर प्रशासन को वहां के एक मंदिर के खम्भों को भी हटाना पड़ा। वहां के रहने वालों के मुताबिक वो पहले नंदी की प्रतिमा की पूजा करते थे, लेकिन बढ़ते आकार के कारण अब वो संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये था भगवान शिव के कुछ मंदिर जो अपने रहस्य और चमत्कार के कारण लाखों लोगों के आस्था का केंद्र है। आपको इसमें से कौन सा मंदिर अनोखा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें। और एक बात, अगर आगे भी मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।